हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिता वास फॉर। जी हाँ दोस्तों, मेरी खाली खाली यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। पर इस गर्मी का क्या किया जाए, गर्मी इतना है कि रहा ही नहीं जाता, ना ही बाहर जाया जा रहा है, ना ही अंदर घर के अंदर रहा जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर पूजा वूजा हो चुका है, मैं भी रेडी हूँ, मतलब नहा धोवा के रेडी हूँ, पूजा भी कर चुकी हूँ। और आप लोग को मैं अपनी बेटी को दिखाती हूँ, ये देखिए मेरी बेटी सो रही है। जी हाँ दोस्तों, बेड पर हम लोग नहीं सोते क्योंकि ये जो पंखा है उसका हवा बेड तक नहीं जाता, तो हम लोग नीचे नीचे कंफर्ट रहते हैं, नीचे सोते हैं। और आप लोग को तो पता ही है बच्चों को कितना गर्मी लगता है, हम लोग को जितना गर्मी लगता है उससे 10 गुना ज़्यादा बच्चों को गर्मी लगता है, ये बात सही है। और चलिए मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आम है, ये कच्चा कैरी नहीं है, ये पका हुआ आम है, घर का आम है। ये मेरी एक फ्रेंड है, उसकी मम्मी कल लेके आई ये आम। तो चलिए मैं आप लोग को कट करके दिखाती हूँ कि आम, आप लोग को तो विश्वास नहीं हो रहा होगा कि ये आम पका हुआ है, लेकिन जी हाँ ये पका हुआ है। मैं इसको काट के दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये पका हुआ आम है, घर का आम है, पैर से पका हुआ है ये। और एक्चुअली आंधी तूफान आता है या फिर बारिश होती है तो जो पैर पे आम लगा हुआ रहता है वो गिर जाता है अक्सर, तो बहुत सारा आम ऐसे गिरा था, तो मेरी फ्रेंड की मम्मी कल लेके आई थी ये आम। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि ये कितना मीठा है। हम लोग अक्सर मार्केट से आम लेके आते हैं, खाते हैं, पर वो इसमें जो स्वाद है ना, ये जिसमें जो इतना जूसी है, इतना मतलब रसीला है कि क्या बताएं, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है आम। अब पता चला होगा आप लोगों को कि हाँ सच में वो आम मीठा है और पका हुआ घर का आम है। बेटी सो रही है और मैं बिल्कुल अकेली हूँ और अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। आज सोमवार है, टाइम 10:30 हो गया है, और हर सोमवार को हम, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, हम लोग हर सोमवार को मंदिर जाते हैं महादेव के दर्शन करने। आप लोग भी अगर जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आज एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम हो गया सुबह, इसलिए हम लोग नहीं जा पाए मंदिर, लेकिन शाम को जरूर जाएंगे। हर सोमवार सुबह या शाम को हम लोग मंदिर जाते ही है और आज भी जाएंगे। और शाम को जब मंदिर जाऊंगी तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। छोटा सा मंदिर है लेकिन जाके बहुत सुकून मिलता है वहाँ पे। तो अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। फ्रेंड, मेरी खाली खाली यूट्यूब चैनल को भर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा। बाय, तब तक के लिए।